कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं, हम पूरा बहस नहीं कर पाए, ये मैंने आपको बता दिया। टुडे DYSP इज प्रेजेंट, आप हैं क्या? जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने की, आपको नोट लिखने की, आपको क्या जल्दीबाजी हो गई थी इनको अरेस्ट करने के लिए? डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, कोई सीरियस एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर, इनको क्या जरूरत थी आपको हथकड़ी लगाने के लिए और गाड़ी में बिठाने की? सर 310 और 300, आप भले आदमी है ना सर, अगर यही काम आपके साथ किया जाए, एक कोई गलती हो जाए छोटी सी आपसे, या गलती न भी हो, कोई आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा दे और आपको इसी तरह घर से खींच करके उठा करके एक गाड़ी में ढकेल करके और बिठा दिया जाए, जिसमें आपके ही जैसे वर्दी वाले लोग आपको घेरे रहे हैं, कैसा लगेगा बताइए? बताइए सर, अरेस्टिंग प्रक्रिया में हम नहीं थे सर। आप नहीं थे क्यों? आपके तो ऑफिसर्स ने कहा कि साहब आपने नोट दिया था DYSP ने, आपके अभी हैं SP सामने हैं, रूटीन में इन्होंने तो बताया था कि आपने जो है नोट दिया था और उसको इन्होंने ओके किया था। वर्जन फर्स्ट इन्हीं का दिया हुआ है, लीजिए आपके वकील साहब भी बता रहे हैं कि आप ही का दिया हुआ है। वर्जन फर्स्ट इन्हीं का है। ये क्या आपने देखा है कहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वगैरह पढ़ा है? फिजिकल नहीं देखा, ये पावर सिर्फ आप जानते हैं ना, कानून नहीं जानते। ये वर्दी जो आपको मिली है वो क्या पावर एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ, कि देखभाल करके पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिली? किसी भी सिटीजन्स के साथ, आप भी एक सिटीजन हैं इस कंट्री के, ठीक है? ये बात हम बराबर कहते हैं आप लोगों को, ये भूलिए नहीं कि 60 साल के बाद जब ये वर्दी उतर जाएगी और आपके साथ आप ही के वर्दी जैसे वाले लोग जो हैं इस तरह का गुनाह करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या दिया सिस्टम को। आपने इसका तो इज्जत खराब कर दिया, इसकी क्लिनिक बंद हो गई, अब बोलिए आपके साथ कैसे डील करें, कैसे डील करें बताइए। आप ही ने नोट दिया था ना कि अरेस्ट करना चाहिए, आप ही के नोट को उन्होंने ओके कर दिया, उन्होंने भी जल्दीबाजी दिखाया और आपने तो शुरू ही कर दिया था जो नहीं होना चाहिए था। बोलिए, इसीलिए आपको कॉल किया है कि वाई ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट बी नॉट इनिशिएटेड अगेंस्ट यू फॉर वायलेटिंग द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन DK बासु। देर इज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट, यू आर इन द शूप ऑफ कंटेम्प्ट। कोई अलग से वकील रखना हो बहस करने के लिए तो रख लीजिए, बाद में आप अफसोस न कीजिएगा कि हाँ सुने नहीं, हम पूरा बहस नहीं कर पाए, ये मैंने आपको बता दिया, कानून यही है। आप कहाँ परेशानी में है वो समझ लीजिए, बहस करना हो कर लीजिए, बोलिए, जब कहिए इसको रख देते हैं, कुछ जल्दीबाजी नहीं है मुझे। IU. To the SP, they have conspired, Lordship, and as per Lordship, the new amendment in the IPC, I will take Lordship hypothetical situation. If, then, if I conspiracy has been Lordship the entry into, then obviously there should be some offence, Lordship, a factual offence. Lordship, I will take a second Lordship. I will Lordship the draw attention to the Lordship section 166 capital A of the IPC, Lordship.
that has come into Lordship by amendment in 2013. Yes. Please read that. Public servant disobeying direction under the law. Yes. Clause B, Lordship. Whoever being a public servant knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of law relating to the manner in which he conduct such investigation. Mr. Parasar, please try to understand. With the need of looking into these provisions, when the Supreme Court judgment says in D.K. Basu and our law, our that law, the, local these law. Are the guidelines. And our local law, and not that D.K. Basu was the Supreme Court judgment is very categorical that these are the guidelines in the matter of arrest. Violation of it would be taken as a contempt and the High Court can initiate a contempt proceeding. उसके बाद और कुछ देखने की जरूरत हमारी अजमेर लॉर्डशिप ललिता कुमारी आल्सो गिवन अंडर आई हैव आई हैव गिवन यू बेनिफिट ऑफ दैट जजमेंट एंड लॉर्डशिप राइट फ्रॉम लॉर्डशिप द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एफआईआर दैट लॉर्डशिप द व्हेन एनी रिपोर्ट कम टू द एसएचओ लॉर्डशिप अबाउट द डेथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग देन क्वेश्चन वुड बी अराइज लॉर्डशिप वेदर डेथ इज कल्पेबल होमिसाइडल और डॉली डेथ लॉर्डशिप बट दिस केस लॉर्डशिप द ओपिनियन ऑफ द एम्स एम्स हमारे माइंड में क्या चल रहा है एम्स का रिपोर्ट भी आ गया हमारे माइंड में क्या चल रहा है आपको मैं बता रहा हूं पहले भी बताया हूं कि ऑन द लास्ट डेट द एसपी हैज व्हाइल मेकिंग सबमिशंस स्टेटेड दैट ही रिपेंट व्हाट हैज हैपेंड नाउ Whether this court should accept that as bona fide or not. And Lordship, it is Lordship the priority. That is the thing but which is on going on in my mind. I will take into the Lordship to the judgment of Supreme Court on the Lordship Rupal Dev Bajaj, MS Gill Lordship. Yes, yes. That MS Gill was Lordship under the sobriquet of the Super Cop and King of Punjab. That was a different fact situation. No, a slight change in that case, you know what was the allegation against Mr. Gill? And FIR, you know FIR, what was the allegation FIR against... Was by the, that is not the allegation. FIR is requested by the Honorable Punjab and Haryana High Court on the trivialty of the case. Mr. Parasar, कोई भी judgment जब cite कीजिए ना, तो उसके पहले एक judgment जो मुझे याद रहता है बराबर, उसको पढ़ा कीजिए उसको पढ़ लीजिए 2004 8 SCC 592 द जजमेंट बट भारत पेट्रोलियम्स केस आप सुनने को तैयार नहीं है दैट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट डोंट लाइक डोंट साइट माय जजमेंट्स लाइक ऑन यूक्लिड्स थ्योरम बिकॉज ए स्लाइट चेंज इन द फैक्ट्स ऑफ द केस वुड मेक ए सी डिफरेंस इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली लॉर्ड So you are citing judgment of MS Gill. In that case, if I am correctly remembering, the allegation was that he had acted indecently with a lady officer. Can you take the same allegations here against the officer? Therefore, Lordship, I am pleading, Lordship, give me time, Lordship, to take into all these facts, Lordship. I will try to convince honorable. I am not saying that I am in hurry. You take your time. Lordship. What is going on in my mind, I have disclosed you. All the officer Lordship, they are Even if I come to a conclusion, I can come to a conclusion that they have committed a wrong. Lordship. And they are liable to be prosecuted against. But then the court may, in a contempt matter, consider as to whether there are some mitigating circumstances and the court should be lenient in the matter of imposing punishment. But another prayer, Lordship, to rebut the compulsory exemplary damage, Lordship, for violation of my fundamental rights, legal rights. All rights, Lordship, statutory rights, legal rights, fundamental rights, human rights, all rights are violated. And Lordship, that it is not the one of example, Lordship. Court will consider. I court, Lordship, so many decisions, Lordship. Court is keeping in mind. Dr. Rini Johar. Court is keeping in mind this also that whether any suitable compensation may be awarded to you. Court is open to all considerations. Whether they are liable to be punished, sentenced. If not, then whether some sort of compensation will do.
We, I think last time I have indicated to further, Lordship, I have indicated to SSPS. I have indicated to you last time also. And further, Lordship, the Lordship, oblique motive with regard to oblique motive, Lordship. Another surprising fact of this case, Lordship. And another FI named accused person in this case has been let, Lordship, on releasing him on the giving the benefit of 41A of the CRPC, which is squarely, Lordship. गलती हुई है उसमें अब कहां बस है। ये DYSP साहब आज आ रहे हैं पहली बार, लेकिन SP हैज ऑलरेडी एडमिटेड केस, वहां पर गलती हुई है। Court will consider all these things. आप भी जरा सोच लीजिए, निशार अहमद साहब, आप ही है ना? जी सर। हाँ, कहाँ है अभी पोस्टेड? क्राइम ब्रांच छपरा। क्राइम ब्रांच छपरा में है आप। पावर का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, मेरा कोई मैं जिसके पास जितना अधिक पावर होता है ना, उसको उतना ही स्थिर होने की जरूरत है। बहुत जल्दीबाजी में पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। किसी को हथकड़ी लगा दिया, किसी को घुमा दिया हथकड़ी लगा करके, कोई ड्रेडेड क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसको पकड़िए तो अच्छा लगता है। कोई एक छोटी सी बात पर आप जो है इस तरह से करेंगे। अभी इधर ही हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है ना, इधर ही मनाया है ना, 26। एंड आई बिलीव ऑल ऑफ अस हैव हर्ड व्हाट द लीगल ल्यूमिनरीज हैव सेड। छोटी छोटी सी बातों पर लोग जेल में हैं, तो आप जो धारा लगा देते हैं उसके ऊपर भी चर्चा का विषय है। एक छोटी सी बात में आप कौन सी धारा लगा देते हैं, उसके अंदर किसको कहां कितने दिन लगा देते हैं जेल में। तो अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, अब लोगों की नजर में आप ज्यादा हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में पता नहीं लगेगा। हर व्यक्ति को अपना काम करना है बिल्कुल सबकी नजर में, छिपा करके नहीं चलेगा। तो ठीक है, आप भी जवाब अपना दे ही दिए, तैयार होकर के आइए। बोलिए, कब रखते हैं? आप बोलिए ना, मुझे क्या है, हम तो हर दिन है। आफ्टर 2 वीक्स लॉर्डशिप। आफ्टर 2 वीक्स तो फिर हॉलीडेज। आफ्टर 1 वीक लॉर्डशिप। नहीं, फिर इसको हम रख देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। आप तो 1 वीक कर दीजिए, ठीक रहेगा, जनवरी में डालिए। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कर देते हैं। कौन सा दिन होगा? 2nd जनवरी, 3rd जनवरी, 3rd या 4th रख दिया जाए। सेकंड को तो आते जाते हैं, 3rd या 4th। चार को लिखे लिस्ट इस मैटर ऑन 4th of January 2022 फॉर फर्दर हियरिंग on that Lordship, on that date Lordship, final then to Lordship will given time to put all this final Lordship. Argument final argument, ठीक है। And इन लोगों का जरूरत तो नहीं है 4 तारीख को? Lordship, I would pray Lordship there is a necessity, because Lordship still I have Lordship as per Lordship I have submitted, and my supplementary affidavit Lordship will take a Lordship the what I view. अच्छा ठीक है, चलिए 4 जनवरी।